प्रस्ता की मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में डिलीवरी, परिजनों का डीजल बचाने का आरोप। प्रस्ता का सुरक्षित प्रसव कराने के लिए सरकार प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर लाखों रुपए का बजट खर्च कर रही है। इधर स्वास्थ्य केंद्र पर डीजल बचाने के लिए प्रबंधन प्रसूताओं की जान से खिलवाड़ करने से नहीं चूक रहा है। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में एक प्रस्ता की डिलीवरी कराने का मामला सामने आया है। खनिया धाना स्वास्थ्य केंद्र वैसे तो जिले की सबसे खराब अस्पताल में गिनती होती है। इस अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं शून्य हैं। बीते रोज रात 8 बजे स्वास्थ्य केंद्र में एक प्रसूता की डिलीवरी मोबाइल की सहायता से कराई गई, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र में लाइट नहीं थी। लेकिन जनरेटर तो मौजूद था, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि जो सरकार की तरफ से डीजल आता है उसकी बचत स्वास्थ्य केंद्र में की जाती है। रानी देवी निवासी चमरउआ ने बताया कि मैं अपनी बहू की डिलीवरी कराने खनिया धाना के स्वास्थ्य केंद्र में लाई थी। करीबन रात के 8 बजे की बात है, हम लोग स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे जहां लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, बस अंधेरा था। इसलिए डॉक्टर ने नर्स के हाथ में मोबाइल पकड़ा कर डिलीवरी की गई, जिसमें प्रसूता को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र में लाइट नहीं थी, जिसके बाद प्रसूता एक तो उस दर्द को झेल रही थी और दूसरा गर्मी को। गुस्सा बुजुर्ग ने कहा कि इस अस्पताल में किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, हम जैसे बुजुर्ग ऐसे भटक रहे हैं। खनिया धाना जिले की सबसे बड़ी तहसील होने के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि खनिया धाना में 101 के लगभग पंचायत है और 500 से ज्यादा गांव हैं, और सभी गांव वाले खनिया धाना के स्वास्थ्य केंद्र में ही अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, और यहां इतनी लापरवाही बढ़ती जाएगी तो हम लोग कहां जाएंगे। मोबाइल की टॉर्च हाँ, फ्लैश से हाँ, और लाइट नहीं थी, नहीं थी, जनरेटर चालू नहीं किया गया, नहीं करो जनरेटर। काहे आपने कहीं झुका गई? अच्छा, जनरेटर खराब होने का बहाना ले लिया हमने और चालू नहीं किया। फिर आपने और आपके दामाद ने दोनों ने टॉर्च दिखाई है जब डिलीवरी हुई है? दामाद ने नहीं, नर्स ने। चलो, मामला ये है कि 1.5 घंटे तक तो ऐसे ही लेटे रहे, 1.5 घंटे बाद डिलीवरी हुई तो वो भी मोबाइल की टॉर्च जला के डिलीवरी हुई। क्यों, जिस समय डिलीवरी हुई उस समय लाइट नहीं थी? नहीं, लाइट करीबन 2 घंटे 2.5 घंटे थी नहीं। फिर आपने बोला नहीं अस्पताल प्रबंधक से? नहीं, हमने किसी को नहीं बोला, ना हमें पता था किसी को। तो ऑपरेटर वगैरह की पूछी होगी, जनरेटर की पूछी होगी? हाँ, जनरेटर की तो पूछी थी, लेकिन हमें जो पता नहीं था कि चालू कौन करता है। अच्छा, यानी आपकी मोबाइल की फ्लैश की रोशनी में डिलीवरी हुई है? हाँ, हमारे मोबाइल और एक मैडम के मोबाइल के, दो मोबाइलों से। आपको किसने बोला कि मोबाइल में होगी, मतलब जनरेटर क्यों नहीं जलाया गया? जनरेटर का हमें पता ही नहीं था। नहीं तो इसमें आप क्या कहेंगे, अस्पताल प्रबंधक की लापरवाही है? रात में जो लाइट चली गई थी, रात में ही वो चेंज ओवर ख़राब हुआ है उसका, तो जनरेटर से जो लाइट जाती है, सप्लाई होती है, तो वो लाइट क्या है कि अंदर हॉस्पिटल में सप्लाई नहीं हो पाई, तो अभी उस चेंज ओवर को मैंने सही करा दिया है, तो जनरेटर सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसका। देखिए, एक वाटर कूलर लगा है और पेशेंट लोड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इतना टेम्परेचर है तो हो जाता है, लेकिन जो कल जो आप बता रहे हैं कि गर्म पानी आ रहा था, तो किसी ने उसका स्विच ऑफ ऑन कर ऑफ कर दिया था, जिस वजह से गर्म पानी आ रहा था। जब सुबह उसको देखा तो उसका स्विच ऑफ था, ऑन किया तो नॉर्मल पानी आ रहा है उसको। हाँ, तो मैंने बताया था भाई, हाँ मैंने उससे बात की थी, मैंने उससे बोला कि उसको दिखवा लेंगे, पानी सही आ रहा था सुबह जब मैं था यहाँ पर, पानी सही आ रहा था, लेकिन शाम के टाइम से ही उस किसी ने उसको स्विच ऑफ कर दिया। अब मेरे को रात में 11 बजे बोला, तो मैंने कि भाई सुबह देखवाऊंगा मैं उसको, अभी उसको देखा तो सही पानी आ रहा है। नगर के लोगों को ये समझ